सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 12 साल बाद शुभ संयोग बन रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप कुछ ऐसी बातें जान लें जो कि आप आने वाले 9 दिन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इन नवरात्रों पर की गई गलतियां बेहद अशुभ भी हो सकती हैं। ज्योतिष मानते हैं कि नवरात्रों में व्रत रखने वाले को ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही शेविंग करनी चाहिए। हाँ, ऐसे में बच्चों का मुंडन करवाना बेहद शुभ होता है। अगर आप नवरात्रों के दौरान घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इस समय घर को खाली छोड़कर कभी भी ना जाएं। ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रों के पूरे 9 दिन प्याज लहसुन और नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक नींबू काटना भी बेहद अशुभ होता है। विष्णु पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत रखने का उचित फल नहीं मिलता। इस बार नवरात्रि 2017 में 12 सालों के बाद गुरु अमृतमय योग बन रहा है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बेहद महत्व होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप प्रतिदिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रों में एक कन्या का पूजन करें तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 से मोक्ष, 3 से धर्म अर्थ काम, 4 की पूजा करने से राजपक्ष मिलता है, 5 की पूजा करने से विद्या, 6 की पूजा करने से यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति होती है, 7 की पूजा से राजपद की प्राप्ति होती है, 8 की पूजा से धन और 9 कन्याओं की पूजन से विजय की प्राप्ति होती है। तो ये थी वो बातें जिनका इन नवरात्रों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि आप भूले से भी कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके लिए इन नवरात्रों पर अशुभ हो जाए। उम्मीद करते हैं इन बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रों के सभी नियमों का उचित तरह से पालन करेंगे। इसी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।